सदी शुभजी भट्टाचार्य और शुभ टीवी के दोस्तों आज आपको बताऊंगा धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसे आएगा। लेकिन जो लोग पहली बार सब्सक्राइब करना आप बोलना बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मैं जो वीडियो फिर नोटिफिकेशन आपको चल जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना आप भूलो से बिल्कुल ही। चले सो पे शुरू करते हैं दोस्तों। अप्रैल के महीने में आपके केंद्र पे फर्स्ट हाउस पे दोस्तों शनि जुपिटर और केतु रहेंगे और वहाँ पर मंगल की दृष्टि और राहु सप्तम हाउस पर बैठ के पहले हाउस पर दृष्टि मारेंगे दृष्टि देंगे आप अपनी शादी दृष्टि। इसके कारण मैं जरूर कहूँगा इस समय आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप अप्रैल के महीने में कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, अगर डिसीजन लेना है तो मैं जरूर कहूँगा सोच समझ के लीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। शरीर चढ़ाव देखने को मिलेगा, जब भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस से गुस्से की चीज थी उस दिन आपके मन में बहुत ज्यादा अशांति रहेगी दोस्तों। ऐसा हो सकता है आप जल्दबाजी के मामले में कोई गलत डिसीजन ले लें, आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर ले तो मैं जरूर कहूंगा दो तीन बार सोच ले, किसी बड़े के परामर्श ले ले, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अप्रैल के महीने में अपने आपको कोई डिसीजन में लेने के लिए। बिजनेस और व्यापारी के लिए मैं कहूँगा 6 तारीख तक आप अपने जो बिजनेस चले सामान्य चलेगी, उसके बाद सही होने लगेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों मंगल आपकी 6 हाउस पर बैठेंगे जिसके कारण से मैं जरूर कहूँगा इस महीने में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, शत्रु चल रहा है या फिर आपके लोन के लिए कोई प्रॉब्लम चल रहा है इस महीने वो हल होने लगेगा। इस महीने आपको क्या करना है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सही डिसीजन लेकर ले लीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन लोन किसको पैसे मत देना और शत्रु अगर हो रहा है उसको बिना से आप कर सकते हैं दोस्तों। इस महीने अगर आपको सरकारी जॉब कर रहे हैं मैं जरूर करूँगा 15 तारीख के बाद आप लोगों के लिए पॉजिटिव समय रहेगा दोस्तों, क्योंकि कॉम्पिटिशन जॉब या फिर कोई भी सरकारी जॉब या फिर मिलिट्री डिफेंस में जाना चाहते हैं आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। दोस्तों इस महीने सूर्य उचके हो जाएंगे मेष राशि में जाके, इसके साथ साथ शुक्र भी उच्च के रहेंगे, इसके कारण मैं जरूर कहूँगा इस महीने का आप लोग घर बाड़ी खास करके वाहन लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। घर में एक पॉजिटिव वातावरण रहेगा, घर में एक खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन आपको हेल्थ जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आपको सही करना है तो घर में वातावरण सही रहेगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। शुक्र उच्च के रहेंगे तो घर में प्यार रोमांस या किसी की शादी कही ओके ऐसा हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पर ध्यान रहे राहु सप्तम भाव पर बैठेंगे जिसके कारण से अगर इस समय आपके घर में किसी शादी का योग है तो शादी करने की योग बन रहे। लेकिन दोस्तों राहु सप्तम भाव के वजह से क्या करेंगे, राहु ऐसा प्लैनेट है जो बाहर जो बैरियर को तोड़ना पसंद करता है, मतलब दूसरे कास्ट में शादी करना या फिर ऐसे अलग कास्ट में जाकर शादी करना राहु की आदत है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। बिजनेस व्यापारी के लिए अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपको थोड़ा पार्टनर पर भरोसा करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं आग बन के उसे थोड़ा भरोसा करिए तो चलेगा दोस्तों। इस महीने ऐसा हो सकता है आपके बच्चे जो है वो खुल के जिए, मतलब उनको एक अलग डोमेन आपको देना पड़ेगा, उनको आप अलग जगह देना पड़ेगा उसको साइन करने, क्यों यहाँ पर सूर्य उचके हो जाएंगे तो 5th हाउस में उचके होंगे तो इंटरनेट में रिलेटेड चीज़ अगर लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट मिलेगा, बच्चे से सुख मिलेगा, बच्चे अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या फिर खुद आप धनु लग्न के पढ़ाई में कोई अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, डॉक्टर रिलेटेड है तो आपके पास से। लेकिन दोस्तों इस समय शुक्र भी उसके हो रहे जिसके कारण से मैं जरूर कहूँगा इस समय आप लोगों के लिए प्यार मोहब्बत की बातें बहुत चलेंगी तो पढ़ाई से मन भट रखने के बहुत सारे चांस आप लोगों के लाइफ में मिलेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पढ़ाई के मामले में क्या करना है ना क्या नहीं करना है दोस्तों। इसी समय दोस्तों जो आपके बूथ है बुध देव निजभंग राजयोग बनाएंगे, इसके कारण मैं जरूर कहूँगा आप अपने वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध से भी आप फायदे में कैलकुलेशन जो चीज़ें हैं ट्रेडिंग मार्केटिंग कॉमर्स रिलेटेड कुछ चीज़ करें तो आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए और अपने जो सांस है उसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस समय मोटापा बीमारी पेस रिलेटेड बीमारी ऐसे हो सकते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर मन बहुत ही आसान चल रहा है मैं जरूर कहूँगा शनिदेव के उपाय और गुरु के उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो तक था, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बोला, आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर मेरे ब्लॉग पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दिया। और दोस्तों इस तरह मेरी बाकी वीडियो भी देखते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।